नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं चैनल डीप एजुकेशन से हूँ और मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ एक मैथ्स के टॉपिक में, जिसका नाम है वेक्टर्स। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बेसिक आइडिया दे दूँगा कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वेक्टर्स जो होते हैं फिजिक्स या मैथ्स में आपको बहुत यूज़ आने वाले हैं, हायर क्लासेज में, आपकी हायर क्लासेज में फिजिक्स और मैथ्स में वेक्टर्स का बहुत यूज़ होता है। क्लास 11 से आपका शुरू हो जाएगा ये वेक्टर्स, फिर 12 से जर्नी फिर आगे बढ़ती जाएगी। तो इसको सीखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेसिक आइडिया है क्या वेक्टर्स, आखिर बेसिक आइडिया आज हम लोग जान पाएंगे इस वीडियो में। तो बेसिक आइडिया दोस्तों वेक्टर्स का ये होता है कि इसमें एक तो होती है क्वांटिटी, एक चीज़ होती है मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी चीज़ दोस्तों डायरेक्शन होती है, मतलब दिशा, और मैग्नीट्यूड मतलब कोई चीज़ कितनी है, जैसे कि 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, तो ये दोस्तों होते हैं मैग्नीट्यूड, इसे हम कहते हैं। और डायरेक्शन मतलब जैसे नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, या फिर राइट लेफ्ट, तो ये सब दोस्तों डायरेक्शन होती हैं। तो बेसिक आइडिया को और थोड़ा हम इलैबोरेट करने के लिए एक और चीज़ सीखना चाहेंगे, जिसका नाम है स्केलर। तो दोस्तों यही दो क्वान्टिटीज़ हैं फिजिक्स में, जिनको डीप में अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। दोस्तों स्केलर और वेक्टर्स में मेन डिफरेंस केवल डायरेक्शन का ही है। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें आपकी जैसे कि क्वांटिटीज जो फिजिक्स में यूज़ होती हैं, आपकी डिस्टेंस आता है, जैसे कि आप कहते हैं कि 10 मीटर आज मैं दौड़ा, जैसे कि 10 किलोमीटर आज मैं दौड़ा, तो ये एक डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी मतलब कितना दौड़ा आप। लेकिन अब आप दूसरा ही बंदा, फिर वेक्टर क्या क्या है, वेक्टर है मैग्नीट्यूड, कितना आप दौड़े और किस डायरेक्शन में दौड़े, तो यही वेक्टर दर्शाता है किस डायरेक्शन में दौड़े। तो जैसे कि इसमें होता है इसी को डायरेक्शन चेंज हो जाता है डिस्प्लेसमेंट में। ये बेसिक चीज़ें हैं समझने के लिए, और भी क्वांटिटीज़ हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाता है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट दिशा में 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। वो अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो बेसिक आइडिया इनके पीछे है वो ये, आप एक लाइन, आप एक साइकिल के एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक साइकिल है आपके पास और आप उससे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तैयार करते हैं, ट्रैवल करते हैं ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, और उसी तरह फिर आप उसी साइकिल से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं 10 किलोमीटर। तो दोस्तों ये दोनों लिखने में सेम है, लेकिन लगभग लगभग हैं, लेकिन है नहीं। पहली जो क्वांटिटी ऊपर लिखी है वह है स्केलर, और जो नीचे है वह है वेक्टर। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन है। इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया साइकिल वाला या फिर मैं, और इसमें कोई डायरेक्शन का डिपेंडेंस है ही नहीं, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, लेकिन इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन का यूज़ होता है। तो स्केलर मतलब केवल कितना हुआ, और वेक्टर मतलब किस डायरेक्शन में हुआ और कितना हुआ। तो दोस्तों अब मान लीजिए एक आपके पास लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, उसी लाइन पे आप क्या करते हैं उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं लाइन को। मान लीजिए ये डायरेक्शन दे दी इस तरफ, राइट डायरेक्शन में जा रही है लाइन। तो दोस्तों ये जब लाइन राइट डायरेक्शन में जाती है तो हम उस ऐसी लाइन को कहते हैं डायरेक्टेड लाइन, मतलब किसी डायरेक्शन में जब लाइन जाती है तो इसे डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। आपको एग्जांपल लेना है तो एक रोड ले लीजिए, लखीमपुर से लखनऊ, सीतापुर से लखनऊ, तो ये रोड है बहुत लंबी जा रही, सीधी सीधी हाईवे है तो बहुत लंबी जा रही है, तो एक तरफ की है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ सीतापुर से लखनऊ, तब ये एक डायरेक्टेड लाइन हो गई, और या फिर लखनऊ से सीतापुर, तब भी एक डायरेक्टेड लाइन है। तो लाइन तो पहले थी ही, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन मेंशन करता हूँ तो उसे डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। अब मान लीजिए इसे सीतापुर से लखनऊ के डिस्टेंस के बीच में, कोई दो गांव के बीच में, मान लीजिए ए गांव और बी गांव के बीच के डिस्टेंस को हम इतना रोक देते हैं, काट के देखते हैं, और डायरेक्शन हम लेते हैं सीतापुर से लखनऊ कोई बंदा कार लेके जा रहा था, तो इसको दोस्तों बोलते हैं यही ए बी डिस्टेंस को, ये जो मैंने यहाँ नीचे बनाया है इसी को, आगे हम फ्रंट पेज पर देखते हैं आगे। मान लीजिए ये था सीतापुर से लखनऊ, ठीक है, ये यहाँ सीतापुर है, यहाँ लखनऊ, इसी में दो गांव बीच में पड़ते थे जिसका नाम था ए और बी, ठीक है। तो ए और बी सीतापुर से लखनऊ चलने में एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ये है लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट इसे हम बोलेंगे,
बी लाइन सेगमेंट। तो दोस्तों ये ए बी लाइन सेगमेंट वैसे तो डिस्टेंस ही है, लेकिन अगर हम कह देते हैं सीतापुर से लखनऊ तो ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाता है, और यही वेक्टर है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आप दोस्तों देखिए, अगर आपको लाइन दे दूँ, उसको काट दें, इतना डिस्टेंस ले लें, मान लीजिए ए बी लेट से 2 मीटर, ठीक है, तो ये एक लाइन सेगमेंट हुआ, इतना आपको पता है ना दोस्तों, तो एक लाइन सेगमेंट हो गया। लेकिन अब मैं कह देता हूँ सीतापुर से लखनऊ एस से एल, तब ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो दोस्तों यही बेसिक आइडिया है, लाइन सेगमेंट हमें केवल मैग्नीट्यूड दिखाता है, लेकिन ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दिखाता है। तो ये बेसिक था दोस्तों वेक्टर्स का बेसिक आइडिया, मैं एक बार फिर से रिवाइज आप लोगों को करा देना चाहता हूँ। बेसिक आइडिया वेक्टर्स का क्या कहता है, वेक्टर्स का दोस्तों बेसिक आइडिया फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, और दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिक्स में कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि फोर्स है, ये सब चीज़ें हैं, मोमेंटम है, ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज हैं।